अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू TGM द ग्रेट मेंटर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक व्हिच इज वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम इज स्पॉटिंग एरर्स। And this is my very favorite topic because it really tests your grammar skills. So you need to very much alert about what mistakes you are going to make or not. So if your grammar is the grammar part, your grammar sense is strong, then you no need to worry about. Otherwise, you will have to exercise more about this topic, spotting errors. So let's start. Next, when viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color together. अगर ये उसके point of view से देखते हैं तो ये पूरा episode जो है, ये पूरी कहानी है, वो हमें कैसी, उस पूरी कहानी को कहीं और ही रंग चढ़ जाता था. Okay, so when viewed with the, अभी viewed के साथ में हम लोग देखो पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जा रही है, तो पॉइंट ऑफ व्यू के पहले जो आएगा जो प्रेपोजिशन वो विथ नहीं होगा. पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू. तो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ के पहले आने वाला जो प्रेपोजिशन रहता है वो हमेशा फ्रॉम ही रहता है. सो हियर इट इज विथ विच इज रॉन्ग, सो our right choice is from and our answer is option A. Okay, so next, on many occasions we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on, right? So देखो यहाँ पे तो एरर वेरी सिंपली मालूम पड़ रहा है बिकॉज ये डिड और हेल्प्ड आया हुआ है. एक ही सेंटेंस में कभी भी दो सिंपल टेंसेस या तो कोई भी सिमिलर टेंसेस एक ही सेंटेंस में एक ही फॉर्म में नहीं आ सकते. अगर यहाँ पे डिड आया है तो आगे का जो उसके साथ जो मेन वर्ब होगा उसको ईडी नहीं लगेगा, वो सिर्फ उसके ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा. वी डिड हेल्प द पुअर ऐसा होना चाहिए. वी डिड हेल्प द पुअर ऐसा होना चाहिए इधर, और ऐसा होना चाहिए वी हेल्प्ड द पुअर. या तो डिड हटना चाहिए और हेल्प रहना चाहिए. अगर ये डिड रखा तो फिर हेल्प सिर्फ रखना चाहिए. वैसे भी जब भी उसके क्वेश्चन इंटरोगेटरी सेंटेंसेस होते हैं तभी भी हम कैसे लिखते हैं, डिड ही हेल्प द पुअर, तो उसका आंसर कैसे आएगा, यस ही हेल्प्ड द पुअर. क्योंकि इसमें क्या होगा, ये डिड है ना, ये डिड का ही यहां पे ईडी आ गया है मेन वर्ब के साथ, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है. तो इसके लिए इसके इसमें से हेल्प जो है वो सिर्फ वही फॉर्म में रहेगा उसके, या तो ये ईडी इसके साथ में अगर लगता है तो ये उसके पहले कुछ और वर्ड नहीं आएगा. अगर उसको ईडी नहीं लगाते हो तो ही इसके आगे डिड लगा देना है, डिड हेल्प. सो वी डिड हेल्प द पुअर ऐसे आना चाहिए, या तो वी हेल्प द पुअर. तो डिड या तो डिड कैंसिल कीजिए, एक मिनट है यहाँ पे हम लोग देखते हैं. या तो फिर डिड कैंसिल कीजिए, वी हेल्प द पुअर ऐसा रखना है. तो दोनों भी सेंटेंसेस करेक्ट होते थे अगर ये दोनों भी फॉर्म में इनमें से दोनों में से किसी एक फॉर्म में आप रख सकते हो. ओके, तो हमेशा याद रखना डिड के बाद में कभी भी ईडी के सेंस में आने वाला या तो थर्ड फॉर्म में आने वाला वर्ब थ्री में आने वाला कोई भी वर्ब नहीं रहेगा. तो इसलिए अपना एरर है बी, राइट.
let's move on to the next. Unless it is accepted to both the parties, an arbitrator would be of no use to settle this dispute. Unless it is accepted to both the parties. देखो अभी जो accepted है ना, तो accepted जब भी हमें लिखना है, तो accepted के बाद में आएगा, accepted के बाद में by आना चाहिए. अगर इसको रखना है, नहीं अगर इसको रखना है, preposition अगर रखना है to, तो इसके पहले वाला जो ये रहेगा, वो accept Table रहेगा. Unless it is accept, देखो ये दो वे में कहा जाएगा, या तो acceptable to या तो accepted by. अगर verb रखना है तो फिर by के साथ में रखना है. अगर verb नहीं रखना है तो acceptable रखना है सिर्फ, तो उसके साथ में preposition to आएगा. तो इधर इन एनी विच फॉर्म दिस वुड हैव बीन करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, बट यहाँ पे उल्टा दिया गया है, यहाँ पे एक्सेप्टेड टू दिया गया है, तो ये दोनों का पेयर नहीं जमता. दिस इज रॉन्ग. ओके, सो दिस शुड बी करेक्ट एंड दिस शुड बी करेक्ट. इधर यू राइट इन दिस वे और दिस वे. सो वी हैव फाउंड अवर एरर इन दिस, सो अवर आंसर इज ए. नेक्स्ट, ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू सुधीर यस्टरडे, He tries to avoid it. अभी देखो ये सिंपल है, ये क्या लिखा है, कौन से टेंस में है, was, okay? Means simple past tense. Yesterday, again simple past tense. ये both sentences correct है, because they are both, these both options are talking about simple past tense. But see whether this third option is also talking, this third option also does talk about simple past tense. No, this implies is simple present tense, right? Tries implies is simple present tense. So this is a clear cut mistake over here. So we need to change as he tried instead of tries. Okay, he tried to avoid it. So okay, ये आना चाहिए. तो अपना यहाँ पे है. Next, the various consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats. The various consequences of the decision taken by the finance ministry. अभी यहाँ पे क्या है, देखो subject कौन से form में है, subject plural form में है, consequences. हाँ, the various consequences of the decision taken by the finance ministry. अभी ये was किसके लिए आया है, subject के लिए आया हुआ है. तो subject अगर plural form में है, तो obviously verb भी plural form में आना चाहिए था. तो ये were आना चाहिए यहाँ पे instead of was. तो our mistake is in this option C. Next, I never consider him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize and no error. See, I go back, ये बराबर है, on his promise बराबर है. I never consider him to be a person who would go back on his promise and then do not even, नहीं तो ये then do है ना, ये part आना ही नहीं चाहिए, which is unnecessary part है. तो ये सिर्फ इतना होना चाहिए था, and not even apologize. मतलब ये दोनों भी एक क्वालिटीज बताई गई है एक पर्सन की, ये वो ये काम करेगा और ये भी काम करेगा. मतलब मैंने ऐसा पर्सन, मैंने उसको ऐसा समझा ही नहीं था कि वो इतना, मतलब प्रॉमिस से अपना हट जाएगा. ही विल गो बैक फ्रॉम हिज प्रॉमिस एंड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड वॉट लेटर वॉट ही विल डू, नॉट इवन अपोलोजाइज. अगर वो प्रॉमिस से हट गया है तो वो अपोलोजाइज भी उसने करना चाहिए था, विच ही हैज नॉट डन. सो In such conditions, ये then do जो है ये पार्ट आना नहीं चाहिए था. Just we need to write not even apologize. इतना भी नहीं किया, apologize भी नहीं किया, promise से हट गया but apologize भी तक नहीं किया. Okay, so our answer is C. Next, having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search of some job. सर्च के बाद में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सर्च ऑफ समथिंग. ओके,
सर्च ऑफ समथिंग. हाँ, अगर यहाँ पे सर्चिंग आता ना, आईएनजी आता ना, तो फिर सर्चिंग समथिंग, सर्चिंग सम जॉब, तो सर्चिंग ऑफ नहीं आता था जब आईएनजी लगता था. बट ओनली ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ड है, बेयर फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसको हम यहाँ पे ऑफ लगा देंगे. राइट, सर्च ऑफ सम जॉब. अभी सर्चिंग या तो सर्च भी रहता ना, तो भी उसको सर्च ऑफ नहीं आता था. तो यहाँ पे सर्च सिर्फ है, तो इसके लिए हम लोग उसको ऑफ लगाएंगे. तो अपना सी ऑप्शन ही अपना आंसर है. नेक्स्ट, व्हेन शैल वी अराइव टू अवर डेस्टिनेशन, नो एरर. व्हेन शैल वी अराइव, अराइव के बाद में हमेशा जो आता है, अराइव के बाद में जो प्रपोजिशन आता है वो एट होता है. और एट प्रपोजिशन ये अभी के लिए जो बोला गया है वो एक प्लेस के लिए है, एक जगह के लिए है. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन है, विच इंडिकेट्स अ पोजिशन. तो हमें कहाँ पे जाना है, तो डेस्टिनेशन पे. तो अराइविंग एट समवेयर, ओके, नॉट अराइविंग, जस्ट अराइव नहीं बोलना है, या तो अराइविंग अराइव. हाँ, अगर ये डेस्टिनेशन है, ये कुछ भी डेस्टिनेशन हो सकता है, इसलिए हम लोग ऐड लगा देंगे. लेकिन अगर ये कंट्री के लिए आता था, बड़े कंट्री के लिए, बड़े पैमाने में अगर हम लोग बात करते हैं, लार्जर, देन इट शुड हैव बीन अराइव इन आता था. अगर छोटी एक स्पेसिफाइड छोटी सी जगह के लिए बात की जाती है, तो अराइव एट आएगा. ओके, तो अपना यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे टू अराइव्ड, यहाँ पे दिया गया. राइट, जो अपना प्रेपोजिशन है वो इस पार्ट का यहाँ पे आया हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है. तो अपना सी जो आंसर है, ऑप्शन है, वो इनकरेक्ट ऑप्शन है. सॉरी, ऑप्शन करेक्ट है, बट आंसर इसमें जो दिया गया है वो एरर जो हमने स्पॉट किया है वो इनकरेक्ट है. यहाँ ये टू जो है, प्रीपोजिशन इज नॉट करेक्ट. सो इंस्टेड ऑफ टू इट वुड हैव बीन, इट शुड बी एट. ओके, व्हेन शैल वी अराइव एट अवर डेस्टिनेशन, हम अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगे, तो अराइव के लिए एट आएगा. बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट many accidents caused by reckless driving, no error. अभी यहाँ पे first of all, जब भी by का sentence आता है, when this preposition by is used in any complete sentence, then it is in a passive voice form sentence. Okay? तो ये passive में है, तो passive में हमने अगर sentence होता है, तो उसके साथ में जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसे रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, टेंस ऑफ द सेंटेंस. अभी यहाँ पे टेंस जो है, यहाँ पे ऑलरेडी कॉज्ड बोला गया है, तो नेचुरली ये बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर वी कैन कंक्लूड दैट. अभी यहाँ पे कैन कंक्लूड दैट, तो कैन ये कौन से टेंस में आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस में आया हुआ है. राइट, तो हमें इसके पहले का जो हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलियरी वर्ब आना चाहिए, ये जो मेन वर्ब है कॉस्ट, उसके पहले जो आना चाहिए वो भी हमें प्रेजेंट का ही होना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, अगर ये प्रेजेंट में है तो हम उसको किस सिंगुलर में यूज करें या प्लूरल में यूज करें, तो ये डिसाइड करता है अपना सब्जेक्ट. तो अपना सब्जेक्ट कौन सा है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, और सब्जेक्ट अपना है प्लूरल में, तो ऑब्वियसली ये हमें प्लूरल में आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब. इसके पहले वाला जो मेन वर्ब के पहले वाला हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सेंस में आना चाहिए. एंड सेकेंडली ये सिंपल, सॉरी, ये प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए. राइट, तो प्लूरल और प्रेजेंट आने वाला कौन सा है, प्रेजेंट में आने वाला है, एक तो एम, इज, आर आते हैं. राइट,
और अगर हमें प्लूरल चूज करना है तो हमें ऑब्वियसली आर चूज करना है. तो यहाँ पे वर्ब आएगा आर कॉज, मेनी एक्सीडेंट्स आर कॉज. हाँ, सेकेंडली ये एक मिनट है, अपना जो सब्जेक्ट है ये है सब्जेक्ट, ये जो ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट इस फॉर्म के इस क्लॉज के लिए ये सब्जेक्ट है. बट आफ्टर दैट अपना जो न्यू सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट ये है और ये भी प्लूरल में है, तो हमें उसको आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग ऐसे आना चाहिए. तो इतना याद रखना है, एक सब्जेक्ट का सेंस और सब्जेक्ट का टेंस किस में है उसके ऊपर. सेकेंडली है कौन से किस में, पैसिव वॉइस में. तो अपना मेनी एक्सीडेंट्स आर होना चाहिए. नेक्स्ट, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज. तो यहाँ पे तो ऐसे कोई भी जनरली मिस्टेक दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि आर नॉट अपॉइंटेड, देखो ये भी पैसिव फॉर्म में है. यहाँ पे बाय जो है वो लिखने की जरूरत नहीं, बाय समवन एल्स. सो अगर ये पार्ट नहीं भी होता है सो इट डज नॉट अफेक्ट ऑन द सेंटेंस. बट इट इज कॉमनली वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज अ पैसिव काइंड ऑफ सेंटेंस. बट दूसरी बात ये है कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ये भी बराबर है. यहाँ पे प्रेजेंट है अपॉइंटेड, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं नजर आ रही है. सेकेंड यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होता है इन अवर या एट अवर कॉलेज, बिकॉज कॉलेज इज अ वेरी स्पेसिफिक लोकेशन है और उसके लिए एट आना चाहिए. बट स्टिल ये अपॉइंटमेंट जो हो रही है वो विद इन द कॉलेज हो रही है और विद इन द कॉलेज में देर इज सम बाउंड्रीज के अंदर है ये, तो बाउंड्रीज के अंदर है तो इसके लिए ये इन यहाँ पे बहुत प्रॉपर है. अदरवाइज इन इज यूज फॉर द लोकेशंस विच आर इन लार्जर सेंस, जो सिटीज कंट्रीज उनके लिए हम इन यूज करते हैं. बट वेरी स्मॉल और वेरी स्पेसिफिक लोकेशंस प्लेस के लिए हम लोग एट यूज करते हैं. बट सिंस एट और इन के लिए और भी एक थोड़ा कंफ्यूजन, एक थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट का जो एक्शन है दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड समथिंग विच हैज closed by some boundaries. So college is closed by some boundaries and appointment is taken inside that. So we need to use the correct preposition is in. So which is already there in our sentence, in our question. So and we don't find apparently any error in this sentence. So we will choose our option as D, which says no error, right? Then the officer is angry on the clerk for not attending to work. Angry होता है तब उसके बाद में जो होता है preposition वो हमेशा at आता है. Angry at, not angry on. या तो angry at लिखो या तो angry with लिखो, any which of this is correct. But not on, in, nothing. That would be a wrong uses of preposition. So, अभी good भी हम लोग बोलते हैं. तो I am good in suppose I am good in English, I am good in any science, math, anything. But good in something. So that is good in. The use of preposition in is very incorrect. So you should always use at instead of any other preposition against the word good at, better at, okay? So not in, right? So here it is angry also, angry with or angry at the clerk or angry with the clerk. So we have already spotted the error in option B, so this is our answer, right? So moving to the next question. No sooner I had spoken than he left. No sooner I had spoken than he left. This is incorrect sentence because जब भी no sooner आता है तो no sooner के साथ में हम लोग एक inversion use करते हैं. Inversion यानी कि पहले verb आता है और बाद में उसका subject आता है. ये no sooner के बाद में हमेशा inversion use करना है. That is inversion यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे क्या है, subject कौन सा है यहाँ पे. The subject is I and had spoken is
our verb, right? This is subject and this is verb. But if the sentence is talking about this no sooner, then we need to use this inversion as verb plus subject. ये एक rule है, right? तो verb plus subject मतलब पहले verb आना चाहिए. That means had spoken and then I. Okay? But हम लोग कभी भी ऐसे नहीं करते. Had spoken I ऐसे नहीं बोलते. ये proper uses ये भी नहीं है. Proper uses कैसे होगा? Had और spoken के बीच में I आएगा. अगर हम अपने inversion के rule के हिसाब से this is very correct. But when such kind of verbs are means perfect tense में जब भी कुछ बोला गया होता या तो कोई भी, but then are said something or यहाँ पे वो ठीक है, वो जाने दो, हम लोग इसी इसी की बात करते हैं. सो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो I है ये इन दोनों के बीच में आएगा. Had I spoken than he left. No sooner had I spoken than he left. Okay? क्योंकि no sooner के बाद than का use तो correct है. तो सिर्फ यहाँ पे हमें देखना है कि पहले inversion verb और subject आएगा, लेकिन verb अगर इस form में रहेगा तो subject उन दोनों के बीच में आना चाहिए. Okay? तो obviously अपना option था B as our answer. Computer education in universities and colleges leaves much to be desired. अभी यहाँ पे क्या है, दो दो चीजों की, दो verb कहो या तो दो भी, जो भी दो बातें हैं, there is a comparison. क्या है, computer education in universities and colleges leaves much to be desired. अभी ये जो much है ना, वो यहाँ पे गलत यूज किया हो गया है, बिकॉज कंप्यूटर एजुकेशन कॉलेज में ज्यादा से मतलब डिजायर, मतलब उनको लेने से ज्यादा वो छोड़े जाने वाला सब्जेक्ट है, उसको स्किप कर देने वाला सब्जेक्ट है, छोड़ देने वाला ये सब्जेक्ट अभी बन गया है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, ऐसा उसका मीनिंग है. ओके, सो अपेरेंटली इसमें अगर हम इसकी कंपेयर कर रहे हैं तो इसको आना चाहिए, ये कंपैरेटिव डिग्री है, बट ये जो ये जो है हमें दिया गया है पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है. मच हमेशा देखो यहाँ पे आता है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और एक सुपरलेटिव डिग्री है, राइट? ये हमने पहले किया था, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में आता है मच, कंपैरेटिव डिग्री में आता है मोर, सुपरलेटिव में आता है मोस्ट, द मोस्ट. ओके, तो यहाँ पे हमें कंपैरेटिव यानी कि ये मोर आना चाहिए, लिव्स मोर टू बी. अभी टू बी जो है ना वो मोर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आता है कि इससे ज़्यादा ये, इससे ये होने से ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, डिजायर करने से ज़्यादा छोड़ने की बातें हो रही हैं, इसके ऊपर ये बातें हो रही हैं ऐसे. तो ये जो है तो मच के जगह पे ये टू बी है वो रॉन्ग यूजेस, मतलब टू बी के साथ में मच का यूजेस जो है वो रॉन्ग है. सो नाउ हियर इट शुड हैव बीन मोर. सो कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मोर टू बी डिजायर्ड. सो सी जो है वो अपना आंसर है. नेक्स्ट, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इंटू ऑस्ट्रेलिया. इंटू कभी भी नहीं बोला जाता, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये कंट्री है तो उसके लिए इन आना चाहिए प्रेपोजिशन, बड़ी टॉकिंग अबाउट द लार्जर प्लेस, राइट? सो इन आना चाहिए, नॉट इंटू. इंटू मीन्स किसके अंदर जाना एकदम, तो ये या तो इन आना चाहिए या तो फ्रॉम. अभी यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, तुम्हें एक पनिशमेंट होगा कि फॉर ब्रिंगिंग सीड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. एक तो हो सकता है वी डू नॉट नो वॉट ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, वेदर टू ब्रिंग इट फ्रॉम और ब्रिंग इन समथिंग. ओके, तो ये अगर ऑस्ट्रेलिया से लेके जाना है या ऑस्ट्रेलिया में लाना है, सो वॉट एवर, बट यहाँ तो इधर इन होगा या तो फ्रॉम होगा, ऑस्ट्रेलिया से होगा या ऑस्ट्रेलिया में सीड्स लाना, ये प्रोसिक्यूशन के लिए अगर लाते हो तो प्रोसिक्यूशन यानी कि उसमें
ये क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसमें ज़रूर उसको ये हो जाएगा, उसमें प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है तो ये इट विल बी टर्म्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड यू विल बी पनिश अकॉर्डिंगली, ये उसका सेंस है। तो अपना आंसर है ये यहाँ पे, इट शुड ईदर इन और फ्रॉम, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और तो कभी इधर और यहाँ पे आया है और एटलीस्ट द फर्स्ट ऑफ इट, यू मस्ट ईदर टेल मी। अगर यहाँ पे यू मस्ट ईदर टेल मी ऐसे नहीं बोला जाता, यू मस्ट यहाँ पे जो ईदर है ना ये पार्ट यहाँ पे आना चाहिए, मीन्स यू मस्ट टेल मी, मतलब इसके बाद में वर्ब इधर आना चाहिए, यू मस्ट टेल मी इधर द होल स्टोरी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट, राइट। तो इधर के बाद में डायरेक्टली सब्जेक्ट आना चाहिए, ना कि इधर के बाद में वर्ब आना चाहिए। तो इधर होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट ऑफ ये सब्जेक्ट जो भी है। तो ये जो करेक्शन, ये जो सेंटेंस है इसको रीअरेंज करना होता, इसको रीअरेंज करने की जरूरत है कि यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट। तो अपना यहाँ पे जो है ये जो एलिमेंट है ना ईदर का एलिमेंट, उसके बाद में आना होता है एक वर्ब, एक सब्जेक्ट नाउन। तो चूज ए एज अवर आंसर, राइट। देन अवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। अपने जो नेबर्स है वो एरिजोना में 10 years से रह रहे हैं बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। अब उनके अभी के घर में रहने से पहले वो 10 साल से एरिजोना में रह रहे थे। अभी सिंस और फॉर का जब भी यूजेस होता है तो एक सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सिंस इज used when the point of time is talked about, point of time, and for is used when period of time. What is point of time and period of time? Point of time means हमें एक specific time दिया गया है वहां पे, specific time जो भी होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि 3rd January से या तो अप्रैल मंथ से, तो ऐसे, या तो फिर बचपन से, तो बचपन यानी कि भी एक टाइम है ना, बचपन का भी टाइम था, या तो वो बुढ़ापे से, या तो जो भी है वो टाइम होता है। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक पूरा एक पीरियड हम वहाँ पे मेंशन करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 10 years ये लंबा पीरियड है, एक टाइम नहीं। कौन से 10 years, डू यू नो किस टाइम की बात की जा रही है, कौन से 10 years की बात की जा रही है? यू डू नॉट नो अबाउट दिस। 10 years आज से काउंट करूँ, कल से काउंट करूँ, या कभी से काउंट करूँ, कौन से ईयर से मैं 10 years काउंट करूँ, ये भी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन ये पीरियड दिया गया है कि 1 से लेकर 10 तक का ये पूरा होल पीरियड की बात करी जा रही है। सो इन दैट केस वी शुड यूज फॉर इन प्लेस ऑफ सिंस। अगर यहाँ पे ये दिया होता कि जनवरी 1990 से, या तो जो भी ऐसे स्पेसिफिक बोला गया होता, तो ही सिंस का यूज अप्रोप्रिएट होता, अदरवाइज नॉट। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। अपना ये मिस्टेक यहाँ पे है तो हम इसी को अपना आंसर लेके चलते हैं। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड। अकम्पनीड के बाद में विथ नहीं आता है, अकम्पनी के बाद में ऑलवेज आता है बाय, ये भी याद रखना, अकम्पनी बाय। सो ये अपना आंसर है, ये तो कॉमन है, मतलब इसमें समझाने की जैसी कोई चीज है नहीं। अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम। हम लोग पास अवे फ्रेज कब यूज करते हैं? कोई किसी की डेथ हो जाती है, देन वी से पास अवे। ओके,
बट अभी ना ये सिटी ड्वेलर जो है वो विलेज में उसका टाइम कैसे निकाले, मतलब वो ढूंढ रहा है कि अपना टाइम को पास कैसे करे. मीन्स जस्ट टू लेजर पॉइंट ऑफ टाइम से वो आया होगा, बट उसको उसका ही इज नॉट फाइंडिंग एनी मीन्स टू किल हिज टाइम. सो टू किलिंग हिज टाइम और पासिंग हिज टाइम, दैट मीन्स उसको जस्ट ये करना है क्या, वो बोर हो रहा है तो उसको एक टाइम पास करना है. तो यहाँ पे टू पास अवे जो है ना, अवे का मीनिंग, अवे का जो यूज है वो वेरी इनकरेक्ट है. पास अवे इज अ फ्रेज यूज फॉर द पर्सन हु इज डेड, समवन इज पास्ड अवे, ऐसे बोलते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए, इसका डेड इसका मीनिंग अलग है. और पास द टाइम, जस्ट इतना ही बोलना है, पास द टाइम, तो ये करेक्ट है. ओके, तो इसलिए अपना मिस्टेक इसमें है, एरर इसमें है, तो हमने यहाँ पे भी अपना है. देन विजिटर्स, एक्चुअली हमें यहाँ पे देखना चाहिए था, बट आई एम ये ज़्यादा इलेबोरेटिव है इसलिए यहाँ से आपको पढ़ा रही हूँ मैं, राइट. तो आप यहाँ से करना, आपको एरर स्पॉट यहाँ से करना है बड़ी जल्दी. विजिटर वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क. अभी देखो यहाँ पे परमिटेड के बाद जो एंटरिंग आया है ना वो गलत है, क्योंकि एक याद रखना, एक मैं आपको जस्ट एक बताती हूँ जो अलाउ है, परमिट है, फरबीड है, या तो एडवाइस है. तो ये जो है ना, ये इनके साथ में जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब इनके साथ में जब भी कोई भी एक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. परमिटेड व्हाट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. देखो ये नाउन है, विजिटर्स ही नाउन है, परमिटेड इज वर्ब, एंड देर आर टू ऑब्जेक्ट्स. दिस वन इज डायरेक्ट बिकॉज दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड. तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये एक सेकेंड ऑब्जेक्ट है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, द पार्क. ओके, तो जब भी ये इन वर्ब्स के साथ में जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा कोई भी, तो वो हमेशा टू के फॉर्म में ही रहेगा. यहाँ पे टू एंटर आना चाहिए था, एंटरिंग नहीं, टू एंटर. तो परमिटेड टू एंटर द पार्क ऐसे आना चाहिए था, बिकॉज ये परमिट के साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है. इसलिए तो अलाउ, परमिट, फॉरबिड एंड एडवाइस, व्हेनेवर दिस वर्ब्स comes along with the direct objects, then you should always use to enter. तो ये जो है to enter is infinitive. Infinitive मतलब ये enter के साथ में जो to, मतलब जब भी कोई भी verb जो base form में होता है उसके साथ में जब भी to use करते हैं तो वो हो जाता है इन्फिनेटिव. और ये ऐसे kind of sentence में इन्फिनेटिव हमेशा noun की तरह use होता है. So visitors were not permitted to enter the park after dark. Dark मतलब जब भी अंधेरा हो जाता है उसके बाद में visitors को वहाँ पे permit करना, वहाँ पे enter करना allowed नहीं होता है. तो इसलिए ये बात याद रखना, ये noun का काम करता है. जब ये इन चारों में से कोई भी आ जाएगा उसके साथ में direct object आ जाएगा तभी उसको infinitive में आपको turn करना है, राइट. सो यहाँ पे टू एंटर आना चाहिए था, ना कि एंटरिंग. सो अपना आंसर ये है. सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस. अगर आपको फिर भी डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट्स सेक्शन में डाउट्स अपने लिखकर भेजिए. वी विल ऑलवेज हेल्प यू आउट एंड यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू सो मच. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.